अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूफटॉप गोट फार्मिंग। और आज मैं आप लोगों को कूलर के अंदर ऑटोमेटिक पानी का सिस्टम जो है लगाने का तरीका दिखाऊंगा जी। तो इशू ये है कि ये छोटा कूलर है, 2x2 फुट का, और छत के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो इधर गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से तकरीबन 4 घंटे के अंदर इसकी टंकी खाली हो जाती है और फिर इसको भरना पड़ता है। और ये काफ़ी जो है मुश्किल काम है, मैं ड्यूटी पे भी होता हूँ, फिर घर में से किसी को ऊपर आके ये काम करना पड़ता है। और फिर एक दफ़ा जब मैं ड्यूटी से आता हूँ तो फटाफट मुझे ऊपर आके टंकी को दोबारा भरना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए मैं इसके लिए ऑटोमेटिक सिस्टम बनाने लगा हूँ। तो जो चीज़ उसके लिए चाहिए वो बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन है और बहुत सस्ती भी है। इसको कहते हैं फ्लोट वॉल, ठीक है। तो ये मैं इंस्टॉल कर दूँगा इसके अंदर और पीछे से पानी का पाइप अटैच कर दूँगा और पानी हर वक्त खुला रहेगा। और इसका मैकेनिज़म ये है कि ये ऐसे लगा हुआ है और फ्लोट वॉल इस तरह है। जब पानी का जो लेवल है वो कम होगा तो ये फ्लोट वॉल नीचे को आ जाएगा, ठीक है। और नीचे को आने से क्या होगा कि इसके अंदर एक बॉल होता है, ठीक है। अगर मेरा कैमरा फोकस करे तो ये देखें, ये अंदर बॉल है एक इसके, ये देखें, ये बॉल है इसके अंदर, ठीक है। ये बंद होता है और खुलता है। तो जब ये नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है तो वॉल खुल जाता है। तो पानी का लेवल कम होगा तो ऑटोमेटिकली पानी यहाँ से आना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही पानी का लेवल बढ़ेगा तो ये वॉल ऊपर को जाएगा ऐसे, और जब ये सीधा हो जाएगा अंदर से ये वॉल बंद हो जाएगा और पानी रुक जाएगा जी। तो ऑलरेडी जो इसके अंदर पानी की इनलेट लगी हुई है, ठीक है, इसको मैं खोल दूँगा और इसको मैं उतार के यहाँ पर जो फ्लोट वॉल है वो लगाऊँगा जी। तो मगरी को टाइम हो गया, मैं अभी जॉब से आया था, इसे जल्दी जल्दी वीडियो बना देता हूँ। और मेरे पास स्टैंड भी इस टाइम मौजूद नहीं है। ये मैंने यहाँ से इसका बोल्ट कह लें, नट कह लें, ये मैंने उतार दिया है। इस वॉशर को हम अंदर वाली साइड पे रखेंगे, ठीक है, और इसको हम इसका रुख नीचे को रखेंगे हम, ठीक है। इसको हम यहाँ सुराख से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। इसको मैं घुमा के बाहर को निकाल दूँगा, जी। तो ये मैंने इसको अटैच कर दिया इसके साथ, ठीक है, बाहर से इसको कस दिया अच्छी तरह, और ये पाइप अटैच कर दिया पानी वाला। अब मैकेनिज्म यहाँ पे एक दफ़ा फिर देख लें कि इस टाइम ये जो वॉल है पानी की, क्योंकि लेवल ऊपर है, ऊंचा है, इसलिए ऊपर को है। जैसे ही पानी कम होगा ये ऑटोमेटिकली नीचे को जाता रहेगा, और जैसे नीचे जाएगा यहाँ से पानी जो है कूलर के अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो इसका थोड़ा सा मैं डेमो करके भी दिखाता हूँ आप लोगों को। पीछे से मैंने पानी खोला हुआ है, देखते हैं इसको अगर वॉल को नीचे करें तो पानी आता है कि नहीं। वो देखें, पानी आना शुरू हो गया, ये आप देख सकते हैं बुलबुले बन रहे हैं और पानी इसमें आ रहा है, और ये ऊपर आया और साथ ही पानी बंद हो गया। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है, ये आप अपने घर में कूलर में भी कर सकते हैं, शेड में जानवरों के लिए लगाया उसके लिए भी कर सकते हैं। तो आपकी झंझट है बार बार पानी भरने की कूलर में, ये ख़त्म हो जाती है। चलें, टाइम काफ़ी हो गया, इसको मैं प्रॉपर तरीके से बंद करके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तब आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।